एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। महू में रविवार को दोपहर 12 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर उनकी कर्मभूमि पाताल पानी पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की व सभा स्थल पर स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण कर बलिदान दिवस मनाया। मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ सभा स्थल पहुँचे व आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित कहा कि टंटिया मामा ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था और गरीबी और आदिवासियों के मसीहा माने जाते हैं, जिनको आज ही के दिन अंग्रेजों के द्वारा टंटिया मामा को फांसी पर लटकाया गया, उन्हीं का आज हम बलिदान दिवस मना रहे हैं। भारी संख्या में आदिवासी समाज की महिलाएं व पुरुष कार्यक्रम में शामिल होने पाताल पानी पहुंचे। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। 14 थानों का विशेष रूप से पुलिस फोर्स तैनात किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की। मानपुर स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदलकर टंटिया मामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री व राज्यपाल द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट। गवर्नर साहब भी पधारे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमारे टंटिया मामा क्रांति सूर्य जननायक अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, उनको पकड़ने के लिए टंटिया पुलिस बनी थी और जैसे टंटिया मामा का नाम लेते थे थर थर कपते थे, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ भारत माता के पैरों से कैसे गुलामी की जंजीरें काटे इसकी लड़ाई लड़ रहे। और अगर कोई गरीब को सताता था तो वो उसके खिलाफ भी विद्रोह का बिगुल फूटते थे। वो वैसे नहीं पकड़े अंग्रेजों ने, तो गद्दार पैदा हो गया अपने बीच से गणपत, उसने झटका देके टंटिया मामा को गद्दारी से पकड़वाया और उसके बाद आज के दिन ही उनको फांसी दे दी गई। इस भारत माता के सच्चे सपूत, जनता के सेवक टंटिया मामा के चरणों में मैं प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता।